एवरीवन, माय नेम इज सीनू पल्लवी एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। अगर नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन। अगर वो ऑलरेडी किया हुआ है तो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग देयर विद मी। नाउ मैं आई हूँ मैसूर वन डे की ट्रिप पे। एक्चुअली कल बहुत लेट पहुँची थी तो और आज मैं 3 बजे निकल भी जाऊँगी एंड यह हमारे पास थोड़ा टाइम था। बट हाँ, मैंने कुछ भी मैसूर का व्लॉग नहीं किया बिकॉज आई जस्ट वॉन्टेड टू स्पेंड वन डे विथ माई सेल्फ। बट अभी मैं आ गई हूँ यहाँ के मैसूर रेलवे म्यूजियम में एंड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैंने सोचा यार एटलीस्ट इस म्यूजियम का तो व्लॉगिंग बनता है। एंड अभी मैं हूँ इंस्पेक्शन, वो जो बोगी होता है उसके अंदर। ये पुराने जमाने का इंस्पेक्शन बोगी है तो मैं आप लोगों को उसका व्यू दे देती हूँ। बैठने का जगह है which I don't know how much true this is and how much this resembles to पुराने जमाना वाला, but हाँ this is something that I think it would look like fan lights again। बैठने का जगह I think और बैठने का जगह रहता है, उस time इतना ज़्यादा खाली नहीं रहता होगा, but फिर भी बाहर से बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है और यहाँ पे ऐसा बहुत सारा बोगी है। तो चलिए हम दूसरे बोगी भी देखते हैं। हम इसके अंदर गए थे एंड ये कुछ इस टाइप का दिखता है, इंस्पेक्शन कार काइंड ऑफ है। यहाँ पे एक नहीं और भी बहुत सारे इंस्पेक्शन कार है, जैसे कि एक इधर भी है, बट ये हमको लगता है अंदर से थोड़ा डिफरेंट टाइप का होगा। बहुत डिफरेंट है ये, इसमें यहाँ पे सोने वाला है। ओह वाओ, वॉशरूम ऊपर दिखाओ ना, कितना अच्छा स्पेशियस वॉशरूम है। यानी यहाँ पे फिर ये है सोने वाला। ओ पहले इसमें लोग सोते थे। ये सब मैं ना वो नहीं दिया हुआ है, वो जो गद्दा वाला चीज रहता है ना, जो अभी लाइक ये वाला चीज, वो सब मैं नहीं दिया। बट स्टिल गुड, ये वाले का दूसरा व्यू था। यहाँ पे ना लाइक ट्रेन्स वगैरह के बारे में और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी है एंड बहुत सारी यू नो उनके पार्ट्स की डिटेल्स भी हैं। उसमें चलते हैं। ये डॉग केज है, कितना अच्छा है, कितना स्मार्ट दिमाग है यार। वाओ, अभी में ऐसा होता है क्या? अभी में नहीं होता है ना पेट फ्रेंडली। ये वाला ट्रेन बट ये सलों है। ओ महारानी सलों। महारानीज वॉशरूम। ए उस टाइम भी वेस्टर्न था क्या महारानीज के पास? नाइस। अंदर देखो अभी भी बर्तन रखा हुआ है। ये बॉयलर, पानी वानी बॉईल करने के लिए यूज किया जाता होगा। के लिए तो बहुत सही, एकदम बहुत खूबसूरत है यार। बट ट्रैफिक लाइट रेड वाला की प्लीज, ये अभी का सिग्नल हो। हाँ हाँ ओके। कूली, हाय कूली अंकल। तो पास में आगे पता चला ना कि ये कोच इंजन है, कोच नहीं।
ये बट देखो ना ऐसे नया नया एकदम कलर होके कितना सुंदर दिख रहा है। इवन इसका ये चक्का भी कितना सुंदर दिख रहा है। ये वाले में एंट्री अलाउड नहीं है। वो वहाँ हम चले गए और ये रहा स्टेशन। बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा स्टेशन है। और वो रही एक ट्रेन यहाँ पे ना, एक्चुअली इसका शायद टिकट लेना पड़ रहा है, बट ये वाला ट्रेन बहुत प्यारा एकदम छोटू सा क्यूट सा सुंदर सा। सी सेंट्रल पार्क। यहाँ के स्टेशन का नाम सेंट्रल पार्क है। बेल, स्कूल बेल वाला फीलिंग दे रहा है हमको। यहाँ अंदर आने में टिकट लगता है, बट नहीं, जो हम लोग एंट्री टाइम में 50 rupees पर पर्सन एडल्ट वाला टिकट दे के एंटर किए थे ना, वही टिकट से वी आर ट्रैवलिंग। बट आगे बैठते तो पता है पूरा पीछे वाला सीन दिख रहा है ना। अभी उतर गए क्योंकि हम लोग को आगे बैठना था ताकि फोटो अच्छा है। और यहाँ पे बारिश वापस से स्टार्ट हो गया यार, यहाँ का भरोसा नहीं, कभी भी 5-5 मिनट में बारिश स्टार्ट हो जा रहा है। नेक्स्ट टाइम। व्हाट इज दिस? ओके, बॉयलर। यार पुराना जमाना का कुछ भी देखते ना, ऐसे रंग पेंट किया हो तो सुंदर दिखता है। सुंदर दिख रहा है ये भी। ये है क्या बाय द वे? MG स्टीम लोकोमोटिव। ओके, चक्का कितना खूबसूरत दिख रहा है। बाय द वे दिस इज द हैंड पंप, डू नॉट टच। अच्छा, दिस इज अ विंटेज हैंड पंप। चोट लग गया। ये है इंजन। गदर मूवी में देखे, यहाँ पर से कोल लेके इसमें डालना होता है यहाँ पे, और यहाँ पर से वो कोल कब हो जाता होगा शायद। वेरी ब्यूटीफुल यार, मतलब बहुत अच्छा है। अच्छा, इसमें यहाँ कोल है भी बहुत सारा यार, पता है। और अच्छा क्या होता है, वो लोग ना हर एक पार्ट्स में ना नाम मेंशन करते हैं और वो क्या करता है, थोड़ा ज्यादा काम हो जाता है इन लोगों के लिए। जैसे कि आई डोंट नो व्हाट दिस डज, एज इफ हम जान के कुछ कर लेंगे, बट फिर भी पता नहीं कि हम अपने ही आपको रोस्ट कर रहे हैं अपनी वीडियो में। पकड़ो वाले में, जहाँ हम अभी गए थे ना, वो एक्चुअली थोड़ा छोटा था क्योंकि वो इंजन के साथ था। ये वाला लाइक थोड़ा सा कंपैरेटिवली बड़ा है, लाइक नॉर्मल साइज़ का, जो भी हमारे साइज़ का होता है, मुझे लगता है लगभग मोर और लेस उसी साइज़ का होगा। बट ये ना स्कूल बस टाइप, पता नहीं क्यों मुझे फील दे रहा है। ये वो कोल वाला नहीं है, ये उसके अलावा दूसरे टाइप का है। आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया। हम लोग वापस से स्टेशन पे वेट कर रहे हैं ट्रेन का, और इस बार हम लोग फर्स्ट बॉगी पे बैठेंगे। पे नहीं, में होता है, फर्स्ट बॉगी में बैठेंगे। वाले
आई से मैं फर्स्ट वाले बॉगी में बैठी ताकि ना इधर पीछे से जब ऐसे ये यू टर्न होगा ना देखिए कैन सी ना बहुत मस्त वीडियो आने वाला है। और पता है बेस्ट पार्ट ये है कि हम लोग के साथ कोई बैठा भी नहीं, हम लोग बिल्कुल अकेले हैं। बंद ग्रुप मैसूर वर्कशॉप स्टाफ। ओ वाओ बैंड ग्रुप है वो, बंद ग्रुप नहीं था। हम ये वाला यूज किए रोटेटरी टाइप टेलीफोन। ये सब देखो ना कितना पुराना जमाना का है। मस्त यहाँ पे रेल कैफे है, लाइक सिटिंग अंदर अंदर रेस्टोरेंट होगा एंड मतलब वो रेल वाला कोच बोगी है। इसमें चलें क्या नेक्स्ट? बहुत सुंदर दिख रहा है ये अंदर से, ऐसा कुछ दिखता है। हम ऊपर नहीं जा रहे क्योंकि वी डोंट नो इफ इट इज अलाउड और नॉट। दैट इज मालगाड़ी, चलो मालगाड़ी के ऊपर बैठा जाए। बाय द वे ना ये पूरा एकदम ऐसे सीटिंग एरिया है, ऊपर भी पूरा एकदम ग्रीनरी है, बहुत अच्छा यू नो व्यू है। अगर आप मैसूर स्टेशन आते हैं, अगर आप मैसूर आते तो आई थिंक आपको ये जगह ज़रूर विजिट करना चाहिए। हम ना थोड़े से स्केप्टिकल थे कि यहाँ आए कि नहीं आए, कैसा होगा, लाइक बिकॉज वी डिडंट नो कि एक्चुअली में कैसा होने वाला। बट यहाँ आने के बाद बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा, बहुत अच्छा हवा चल रहा, एकदम ग्रीनरी है और बहुत सारी नई नई चीज़ें देखने को मिली। लाइक इंजन के ऊपर चढ़ने मिला और वो कोल वाला भी पुराने ज़माने वाला इंजन देखने को मिला जो गदर मूवी में था, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। एक सेकेंड में आप लोगों को एक बहुत ही क्यूट चीज़ दिखाती हूँ। कैन यू गाइस सी द फिश? चलो गार्ड से मिल के आते हैं। अभी पता चला जो हम उठाए वो पॉटी वाला पॉट था। This is the complete view। ये ना बच्चों के खेलने के लिए और नॉलेज के लिए बहुत सही जगह है, जैसे विंटेज कार। जैसे कि मुझे बोला गया है जी जहाँ मेरा जो सोर्स है वो लगभग मोस्टली हर टाइम गलत होता है। हम ना वो वाला रेस्टोरेंट गए थे खाने के लिए, लाइक वो जो रेल वाला रेस्टोरेंट है वहाँ, बट वो अंदर पूरा फुल था। अंदर एक्चुअली वो ट्रेन टाइप नहीं, लाइक बाहर से भले ही वो बोगी टाइप दिख रहा है, अंदर ना उसमें लाइक टेबल चेयर्स लगे हुए थे नॉर्मल प्लास्टिक के एंड एसी था जो कि मुझे अभी पता चला है। बट एनीवेज वो कुछ ऐसा एकदम स्पेशल ट्रेन टाइप नहीं था, बस बाहर से वो ट्रेन टाइप दिख रहा है, अंदर वो एक नॉर्मल टेबल चेयर वाला रेस्टोरेंट टाइप ही था। बहुत ज़्यादा भीड़ था, हमें लेट हो रही है तब हम निकलते हैं यहाँ पर से। ओके सर, बैक टू द प्लेस जहाँ पे मैंने वीडियो का इंट्रो शूट किया था एंड अब हमें यहाँ पर से निकलना पड़ेगा क्योंकि अभी ऑलरेडी 2 बज गया एंड 3:15 में सॉरी हमारी ट्रेन है। और हमने सोचा कि हम अभी यहाँ का एक यू नो मैसूर स्पेशल जो डोसा मैसूर स्पेशल डोसा जो होता है हम वो ट्राई करने वाले। तो अगर हम अभी नहीं निकले तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगी और अब मैं कैमरा निकाल नहीं सकती बिकॉज मेरा फोन बिल्कुल डिस्चार्ज हो गया। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो द नोटिफिकेशन बेल आइकन। टेक केयर, बाय बाय। Thank you.